हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? तो सभी अपने अपने घरों में बैठ के अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर बिजी हो। जिसका था इंतज़ार सबको, परीक्षा की तिथियों के बारे में सबको चिंता है, सबको इंतज़ार है, कैसे एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे, सभी लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं। तो कुछ सूचनाएं ऐसी मिली है जिससे कुछ तस्वीर एग्ज़ाम के बारे में साफ होती हुई नज़र आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2021, जिसकी परीक्षाएं होते होते पोस्टपोन्ड हो गई, आगे सरक गई। कोविड का जो कहर, कोविड-19 का जो कहर देखने को मिला और संक्रमित बच्चों के संक्रमित होने की गुंजाइश ज़्यादा हो गई, इस वजह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने परीक्षाएं आगे सरका दी थी। तो बच्चों, अब परीक्षाएं कराने के बारे में तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है। आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी पूरे साल बच्चों ने की है और अब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। देखिए, एग्ज़ाम डेट्स की घोषणा जून में होगी, ये पहली सूचना। अब देखो बेटा, फर्स्ट वीक के अंदर रिव्यू किया जाएगा कि एग्ज़ाम किस स्थिति में कराए जा सकते हैं, कैसे कराए जा सकते हैं, उसके बाद में तिथियों की घोषणा की जाएगी। यानी कि एक चीज़ तो साफ हो गई, अभी तक परीक्षा की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। सिर्फ ये बताया गया है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम अवश्य होंगे, यानी एग्ज़ाम होना फिक्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। देखो भाई, कोविड की गाइडलाइन ही ऐसी है, जहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है ना, तो बच्चों को बैठने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिएगी, तो एक ही परीक्षा केंद्र के अंदर बच्चों की संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसे में परीक्षा केंद्र तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये बात तय हो गई है कि परीक्षा केंद्र बढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 12वीं व 10वीं की परीक्षाएं अलग अलग कराई जाएंगी, एक साथ इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन ही ऐसी है कि ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करना खतरे से खाली नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सोचा जा रहा है कि कक्षा 12वीं की तिथि अलग रखी जाए और कक्षा 10वीं की तिथियाँ अलग रखी जाए। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं, थैंक यू बोलो। कम विद्यार्थी संख्या वाले पेपर पहले होंगे। देखो भी, कक्षा 12 के अंदर क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर छात्रों की संख्या कम होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है। तो पहले क्या होगा, कम जिसके अंदर छात्र संख्या है ना, उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जैसे समय आगे निकलेगा ना, वैसे वैसे कोविड का केयर भी कम हो रहा है ना, इस वजह से क्या होगा कि फिर ज़्यादा संख्या वाले बच्चों के पेपर ले लिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, बहुत अच्छे विशेषज्ञ इसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो कक्षा 11वीं की ये क्या बात आ रही है, इसके बारे में सोचना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कक्षा जो 10वीं है ना, उसके पेपर हो सकता है नहीं करा पाए। देखो, अभी ये तय नहीं हुआ है होंगे या नहीं होंगे, ये फिक्स नहीं हुआ है। अभी तो प्लान है कि एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है छात्र संख्या ना, हो सकता है कि पेपर नहीं करा पाए बाई चांस। ये आप तैयारी मत छोड़ देना, तैयारी कंटिन्यू रखना, अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ है, परीक्षाएं हो सकती है। देखो क्या लिखा है, घोषणा जून में फर्स्ट वीक के बाद ही होगी। तो कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सोचो कि ऐसा कि सपोज नहीं हो तो भी तैयारी जारी रखनी है। इस बात में क्या रहस्य है, यहाँ पर यह क्लियर किया गया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा अगर नहीं कराई जाती है तो कक्षा 11वीं में वो विद्यार्थी अगर बैठता है तो 11वीं के अंदर उसको बोर्ड देना है, 11वीं का सिलेबस आएगा, साथ में 30% पाठ्यक्रम, यानी 30% जो सिलेबस है ना,
वो 10वीं क्लास का उसके पेपर के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो भी अच्छी बात है कि भी अगर बाय चांस पास कर भी दिया जाए तो ये तो पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है, तो बहुत अच्छी बात है। कि क्योंकि इससे ये पता चल गया कि भाई तैयारी 10वीं की जारी रखनी है। तो इन सब बातों से निकल के क्या आ रहा है कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, अपना टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं नए सिलेबस में क्या हुआ था। सर अपडेटेड सिलेबस आया था, जिसका मैंने भी मैथमेटिक्स के बारे में एक वीडियो बना के नया सिलेबस बताया था आपको। तो उस सिलेबस के अंदर क्या हुआ था, कुछ बिंदुओं को, पाठ्यक्रम पूरा नहीं, कुछ बिंदुओं को पाठ्यक्रम में से रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब पाठ्यक्रम कम हो गया है तो परीक्षा का समय कम कर दो, ऐसा सोचा जा रहा है, तय नहीं हुआ है, ये सोचा जा रहा है कि नए सिलेबस के अनुसार परीक्षा का समय भी कम कर सकते हैं, पेपर का नया पैटर्न दे सकते हैं, जहाँ पर 3 घंटे आपको लिखने के और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे थे पढ़ने के ना, तो उसमें 3 घंटे की जगह हो सकता है आपको कम समय का पेपर मिले। तो अच्छी बात है, कम समय के अंदर फ्री हो जाएंगे, ये तो अच्छी, क्योंकि पेपर का सिलेबस भी तो कम किया है ना भाई, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो भी तो कम किया है, तो पेपर का पैटर्न चेंज करके और कम समय का पेपर आपको दिया जा सकता है। तो ये सब बातें मेरे को सोचना मिली, तो इसलिए क्या है कि मैंने ये आपके सामने ये बातें रखी। बिकॉज़ क्या होता है कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर अब क्या करें, आपकी क्या विचार है। तो मैंने विचार अपने इस वीडियो के थ्रू आपको बताए। इन सब बातों में मेरे को जो बात समझ में आई ना, वो है कि पढ़ाई तो करनी है, ठीक है, पढ़ाई तो जारी रखनी है, अपना पूरा टाइम टेबल बना के तैयारी करनी है आपको, तैयारी अपनी जारी रखें, जिससे कि जब भी एग्जाम की तिथि आए नो टेंशन हो के अपने एग्जाम दे सकें। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी जारी रखें और सफलता की तरफ बढ़ें। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।